पंजाब भर में बादलों के तूफानी स्पेल, लाहौर पानी पानी हो गया, 189 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, नहर ओवरफ्लो हो गई, गलियां सड़कें तालाब बन गई, मार्केट डूब गई, गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद हो गई, फैसलाबाद मियांवाली शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश, अटक नूरकोट और करतारपुर में भी बादलों ने खूब जोर दिखाया। बारिशों से तबाही, मकानात गिर गए, कीमती जानें चली गईं। लाहौर में हरबंसपुरा के कच्चे मकान में सोने वाले दोबारा ना उठ सके। ज़ेरे तामीर घर की दीवार बराबर वाली छत पर गिर गई, चार अफराद दबकर जां बहक, तीन जख्मी हो गए। मंडी बहाउद्दीन के इलाके भालिया में मदरसे की छत गिर गई, कमरे में सोए हुए इमाम मस्जिद, बीवी और चार बच्चों की जान चली गई। फैसलाबाद में करंट लगने से 12 साल का बच्चा जान से गया। जंग में दरियाए जहलम में डूबने वाले तीन दोस्तों की लाशें निकाल ली गईं। चिन्योट में 5 मकानात गिर गए, कई अफराद जख्मी हुए। कराची हैदराबाद पुल गिर सकता है, चीफ जस्टिस ने खदशा जाहिर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत में रिमार्क्स दिए। कोटरी में अंग्रेज का बनाया हुआ पुल आज भी दुरुस्त हालत में है। अयूब ब्रिज के बाद मुल्क में बनने वाले सारे पुल नाकिस बनाए गए, चीफ जस्टिस ने कह दिया रेलवे ML1 मंसूबे के लिए अच्छे ब्रिज बनाए जाएं। एक इत्तफाक राय के ऊपर आ गए हैं। 6 मुख्तलिफ एरियाज हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, जो भी कराची से ताल्लुक रखता है उसको पता है कि कराची जो है पानी के लिए तरसा हुआ है। पानी आएगा, कचरा उठेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चलेगा। हुक्मरानों ने कराची वालों की उम्मीद जगा दी, मसाइल हल करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। इस्लामाबाद में वजीर आला सिंध की वफाकी वजरा के साथ बैठक में अहम फैसले, आइंदा हफ्ते कमेटी का अहम इजलास शहर कायद में होगा। मेयर कराची का फैसले पर खुशी का इजहार। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल, पार्लियामेंट का मुश्तरका अजलास आज शाम 5 बजे होगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी खिताब करेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का अजलास आज होगा। इलाज के लिए लंदन गए नवाज शरीफ के बेटे के साथ चहलकदमी, शहबाज गिल ने तस्वीर ट्वीट की, लिखा ये वो मरीज है जो मरियम नवाज के बकौल मरने वाला था। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी वालिद की तस्वीर शेयर की, लिखा अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत दे और घर वापस लाए। पाकिस्तान में कोरोना मजीद पसपा, 23,000 टेस्ट हुए, 513 मुस्बत आए, 8 अफराद इंतकाल कर गए, एक्टिव केसेस सिर्फ 11,945 रह गए। मसले कश्मीर और फलस्तीन पर वजीर आजम का अज़्म पुख्ता और वाज़ेह है, वजीर इत्तला'आत शिबली फराज का ट्वीट, लिखा ये अज़्म पाकिस्तानी अवाम के एहसासात की तर्जुमानी है। इसराइल को तस्लीम ना करने का वजीर आजम का 2 टोक ऐलान, फलस्तीनी वजीर आजम का खैर मकदम, सऊदी अरब का भी इसराइल से ताल्लुकात कायम ना करने का ऐलान। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा हम अरब अमन मुहिदे पर कायम है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी चीन के दौरे पर रवाना, कहा दौरा बहुत अहमियत का हामिल है, आला चीनी क़यादत से मुलाकातें होंगी, सी पैक, लद्दाख और खत्ते की सिक्योरिटी से मुतालिक भी बातचीत की जाएगी। दहशतगर्दी का जवाब आला तालीम, सानिया APS में अपने नन्हे साथियों और असातिज़ा की खून में लथपथ लाशें देखने वाले तालिबान अहमद नवाज को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। नया दिन में गुफ्तगु करते हुए अपनी कामयाबियां मुल्क के शहीदों के नाम कर दी। और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, गद्दारी नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश करने वाले राशिद मिन्हाज शहीद की 49वीं बरसी आज मनाई जा रही है। DGI SPR का भी शहीद को खिराज अकीदत।